नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कमल नंदलाल आप सभी का वेलकम करता हूं गुड लक राशिफल विद कमल नंदलाल। सिर्फ एस्ट्रो तक, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब। तो चलिए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के राशिफल और साथ साथ आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, लकी टाइम, इसके साथ साथ राशि अनुसार खास उपाय, बोनस के तौर पर बर्थडे और एनिवर्सरी का गुड लक भी, और कार्यक्रम के आखिर में आपको बताएंगे महाटोटका। जी हाँ, महा गुड लक का महाटोटका जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा। और अब बात करते हैं कि शुक्रवार पर संकष्टी चतुर्थी से इन राशियों के संकट होंगे दूर। जी हां, सारे संकट दूर हो जाएंगे। शुक्रवार पर संकष्टी चतुर्थी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिन के हाल की, यानी कि आज के पंचांग की और मुहूर्त की। आज फ्राइडे का दिन और तारीख है 22 फरवरी 2019। चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में है। आज का भाग्यांक है 9। शुभ रंग है नारंगी। शुभ दिशा है दक्षिण। राहु काल रहेगा सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:35 तक। और विशेष क्या है आज, आज पाताल वासिनी भद्रा जो रहेगी वो रहेगी सुबह 6:58 से लेकर सुबह 10:50 तक, और इसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। और क्या है खास, आज आज द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी है। बहुत खास दिन है आज द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर द्विज प्रिय, ध्यान से सुनिए, द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी के द्विज स्वरूप की उपासना करते हैं। गणपति का जन्म 2 बार हुआ है, इसलिए उनका नाम द्विज है। पहला जन्म हुआ पार्वती के मैल से, दूसरी बार जब गज का मुग काटकर उन्हें गजानन बनाया गया, तो इसलिए उनका 2 बार जन्म हुआ है, इसी कारण उन्हें द्विज प्रिय कहते हैं। इस स्वरूप में गणेश जी 4 भुजाधारी हैं और उनका वर्ण शुभ्र है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजन और उपाय से और इसके बाद में चंद्रमा को अर्घ देने से पारिवारिक संकट दूर होते हैं और रुके हुए मांगलिक कार्य भी पूरे होते हैं। बहुत खास। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज मांगलिक कार्य पूरा करने का महा उपाय क्या है। क्या करें आप, गणेश जी की विधिवत पूजा कीजिए और एक खास मंत्र है ओम भक्ति विघ्न विनाशाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और क्या करें आप, 4 लड्डुओं पर दुर्वा लगा लीजिए और ये गणेश जी पर चढ़ाकर किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इन लड्डुओं को रख दीजिए और उसके बाद में घर आकर चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, दूध से, जल से, शहद से मिला के अर्घ दे दीजिए। और इसका जो मुहूर्त है चंद्रोदय, यानी कि इस समय चंद्रमा उदय होंगे, वो है रात को 21:21 पर, यानी कि रात को 9:21 के बाद करना। मांगलिक कार्य जो भी रुके हुए हैं, शादियां रुकी हुई हैं, घर बनाना रुका हुआ है, सब कुछ निश्चित रूप से। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक के राशिफल की, साथ ही आपको बताएंगे आपके लकी चांस और राशि अनुसार उपाय भी आपको बताएंगे। दिन है खास। शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज से। काम के बोझ से निजात मिलेगी, शांत वातावरण से राहत मिलेगी, पर्सनैलिटी में सुधार के लिए भी आप कोशिशें करेंगे और कामयाब भी होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ रहे दिशा रहेगी आपके दक्षिण। लकी टाइम जो रहेगा आपका वो रहेगा दिन में 1:30 से 3 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना है फेस पर। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। निजी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, राजनीतिक या सोशल संगठन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कद बढ़ेगा, बिजनेस की समस्याएं भी आपकी सुलझेंगी। आज के लिए आपका लकी नंबर है 6, लकी रंग है आपका गुलाबी, लकी दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व, लकी टाइम जो रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक का रहेगा। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको किसी गरीब महिला को दूध दान करना है। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमुनाई। विवाद सुलझाने के लिए सही दिन है, सुलझा लीजिए, हर किसी से संभल कर बोले, मुद्दों पर स्पष्टता से समस्या सुलझ जाएगी आपकी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा, शुभ दिशा है आपके उत्तर, लकी टाइम रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी मंदिर के अंदर चूड़ियाँ चढ़ानी गुलाबी,
चाहिए क्या बुक। बात करते हैं चौथी राशि कर्क की, कैंसर। लव मेट्स रोमांस एक्साइटिंग रहेगा, बिजनेस में तेजी से कामयाबी पाएंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू होने के योग बन रहे हैं, दिन आपके पक्ष का है। आज के लिए आपका लकी नंबर है 2, लकी डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट, लकी टाइम रहेगा आपका रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा व्हाइट आपके लिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको चंदन और कपूर जलाकर घर के मंदिर में आरती करनी है। और आप क्या है खास, बर्थडे है आज दिन का, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको खुश रखे। और बर्थडे गुडलक में क्या है खास, गणेश जी पर बेलफल चढ़ाइए, क्या होगा इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, पूरे साल भर फिजिकल बेनिफिट बढ़ेंगे। बात करते हैं राशि नंबर 5 सिंह यानी कि लियो। बिजनेस में रिस्क उठाने से आपको बचना होगा, बिजनेस प्रमोशन के लिए चर्चा करेंगे, शाम प्रेमी से रोमांटिक बातें करने में बीतेगी, हो सकता है मोबाइल पर या पर्सनली मिले। आज के लिए आपका लकी नंबर है, लकी कलर है रेड, लकी दिशा है आपकी पूर्व, लकी टाइम रहेगा शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको अपना जो बाजू है इसको गुलाबी धागा बांधना है, सिंपल सा उपाय आपके लिए। बात करते हैं छठी राशि कन्या की, विरोधी आपके सामने सर उठाएंगे, धन में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा, संतान की जरूरतों पर आप ध्यान देंगे, पहली फॉर्मल डेट किसी साथ करने जा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगी, मजेदार रहेगी। आज के लिए आपका लकी नंबर है 5, लकी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ, लकी कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन, लकी टाइम रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको घर की जो तिजोरी है उस पर थोड़ा सा चंदन से श्रीम लिखना है, जो लक्ष्मी का बीज होता है। बात करते हैं सातवीं राशि तुला की, लिब्रा। घूमने फिरने का प्लान आप बनाएंगे, दोस्तों का आपको सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के मामले में कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई पर ध्यान दें तभी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी, लकी दिशा है दक्षिण पूर्व, लकी टाइम रहेगा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, किसी भी पेड़ पर थोड़ी सी शक्कर फेंक देनी है, थोड़ी सी। बात करते हैं आठवीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। लोगों के बीच आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कोई खास व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करेगा, आत्मचिंतन से समस्याओं का हल आप खोज लेंगे, बस सोचें और उस पर कर्म करें। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा व्हाइट, लकी डायरेक्शन रहेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, लकी टाइम जो रहेगा आपका वो रहेगा दिन में 1:30 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको किसी गरीब कन्या को खाना खिलाना है, भोजन करा दीजिए। और अब क्या है खास, आज जिनकी शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, ईश्वर आपका दाम्पत्य जीवन खुश रखे। और एनिवर्सरी गुड लक में क्या है खास आपके लिए, गणेश जी पर गोलोचन चढ़ा दीजिए, और जो चढ़ावा गोलोचन है उससे घर के मेन गेट पर तिलक कर दीजिए, इससे क्या होगा पारिवारिक विपदाएं दूर होंगी आपके जीवन से। बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की, धन के मामले में सफलता आपको जरूर मिलेगी, सोशल रूटीन को बदलने की कोशिश करें, छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, ज्यादा ध्यान ना दें समस्याओं पर, दिन शुभ रहेगा आपके लिए। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 3, लकी कलर रहेगा येलो, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट, और लकी टाइम जो रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर दिन में 1:30 बजे तक का रहेगा। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, किसी भी गरीब कन्या को, किसी गरीब बच्ची को आप खीर दान करते। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की, दिन बदलाव लेकर आया है, पोजीशन को सूझबूझ से हैंडल करें, नए व्यक्ति से निजी लेवल पर पहचान बढ़ेगी, दिन ठीक ठाक है आपके लिए। आज के लिए आपका लकी नंबर 8, लकी कलर है ब्लैक, लकी डायरेक्शन है वेस्ट आपके लिए, लकी टाइम रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का। और उपाय के तौर पर क्या करें, किसी ग्रीन स्केच पेन से अपने नोटबुक पर, अपनी डायरी पर आप क्लीन लीजिए, क्लीन लीजिए और सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सावधानी बरतें, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वर्क प्रेशर से थकान भी रहेगी, खुद पर पूरा टेंशन दें, ध्यान दें, सेहत का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 8, लकी कलर रहेगा ब्लैक, लकी डायरेक्शन रहेगी पश्चिम, लकी समय जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का दोपहर का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है,
आपको किसी भी मंदिर में बोल फल जैसे मौसमी होता है वो दान कर दीजिए, शुभ रहेगा। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी कि पाइसिस की। आर्ट से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्रिएटिविटी का यूज करेंगे आप, सफलता भी मिलेगी आपको। फाइनेंशियल मामलों में कठिनाई आएगी लेकिन आसानी से हल हो जाएगी, बस मेहनत कीजिए आप। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ अंक रहेगा पूर्व, शुभ टाइम जो आपका 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको थोड़ा सा तुलसी पत्ता आज खा लेना है, बट कितना इजी से उपाय है। टॉप टाइम में आज की महागुंडक के क्या उपाय, वो उपाय जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर भगाए। क्या करें आप, दही और शक्कर को उसका घोल बना लीजिए और उसमें अपनी छाया देख लीजिए, छाया देखने के बाद में उसे गणपति आ दीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स बोलते जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को कहते जाइए। क्या होगा, पारिवारिक संकट दूर होंगे हर तरीके के, क्योंकि स्वयं गणपति ही संकट हरण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें अष्टोत्तक और अपने मित्र, अपने फ्रेंड, अपने सखा कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।